हेलो। हेलो मैम, मैं यहाँ की मंथली मेंबरशिप खरीदना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ सिर्फ 6 महीने की मेंबरशिप अवेलेबल है। अच्छा, तो फिर 6 महीनों के ही दे दीजिए। ठीक है मैम, आपका नाम क्या है? वायलेटा ज़बेलिना। आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? हमारे शहर में इस तरह के जिम बहुत कम है, और साथ ही मेरा दोस्त किरिल नेज़िन भी यही का जिम मेंबर है, और मानना पड़ेगा आपके एलीट्स के साथ काफी अच्छे संबंध है। थैंक यू। अनजाने में एपिसोड 2। हम येगोर की सर्जरी भी कर सकते हैं ना? उससे कोई फायदा नहीं। येगोर के मामले में अब वक्त ही हमारा सारा है। इसके बावजूद भी मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। मदद के लिए धन्यवाद, ये मेरा काम था। चलता हूँ, तो मिलते हैं। सर्गी, क्या हम सच में इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते? आना, तुमने सुना मेरे कलीग्स ने क्या कहा अभी? तुम्हें समझना चाहिए कि येगोर अब कभी चल नहीं पाएगा। मैं कुछ भी समझना नहीं चाहती। मेरा मतलब, हमें एक बहुत ही अच्छे रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट को ढूंढने की जरूरत है। आप ही किसी को सजेस्ट कीजिए। अच्छा, मेरी नज़र में एक थेरेपिस्ट है। कौन? रोमन ग्रोमोव। उन्होंने 5-7 पेशेंट्स को जिन्हें कोई उम्मीद नहीं थी उन्हें अपने पैरों पे खड़ा किया है। अच्छी बात है, मुझे नंबर दीजिए उनका। तुम्हें इंतजार करना होगा, अभी वो एक पेशेंट के साथ बिजी है। मैं इंतजार नहीं कर सकती सर की, नहीं कर सकती। आप सब जानते हैं, मुझे उनका नंबर दीजिए। अच्छा ठीक है, उस पेशेंट का पता बताइए, मैं वहाँ जाकर उनसे बात करूंगी। तुम चिंता मत करो। अच्छा फिर से बताइए, रोमन क्या? रोमन ग्रोमोव। लेकिन मैं तुम्हें पहले आगाह करना चाहता हूँ, उनका इलाज करने का तरीका थोड़ा अतरंगी है। दरवाजा खुला है। हेलो, मैं आना कौरा बेलनेक हूँ। किसी ने आपके बारे में बताया। दरअसल मेरे सौतेले बेटे की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और वो चल नहीं सकता। come on, आप जितने पैसे मांगेंगे उतने दूंगी, बस आप ये केस अपने हाथ में ले लीजिए। अरे यार, मैं बहुत अच्छे से कर रहा था। हेलो मैम, मेरा नाम निकोलाय है। और मेरा नाम आना है। तो क्या आप डॉक्टर रोमन हैं? जी, वो मैं ही हूँ। मैं बचपन से ही बोतलों को जगल करना चाहता था। अगर डॉक्टर रोमन नहीं होते तो जाने दीजिए। खैर छोड़ो भी, अगर तुम ट्रॉमा में नहीं होते तो इसे हाथ भी नहीं लगाते। अब जाने भी दीजिए। और जा भी कहाँ सकते हैं, तो चलो अपने काम पर लग जाओ। आइए प्लीज। सर्गी ने कहा आप मेरे सौतेले बेटे को फिर से चलने में मदद कर सकते हैं। जो वो कहेंगे ऐसा सच हो जाए ये जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा, क्या निकोलाय का इलाज पूरा हो चुका है? हाँ ऑलमोस्ट। तो फिर कल से मैं आपको पूरे समय के लिए हायर कर रही हूँ, आपकी मुंह मांगी कीमत पर। देखिए आप एक आर्मर ट्रेन की तरह, मुझे एक्सरे दिखाइए। हाँ ये देखिए। लड़के की उम्र क्या है? 15 साल। बेचारा लड़का, हालत गंभीर है। देखिए मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। क्या, क्यों? ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस है, आज तक मैंने कभी ऐसा केस हैंडल नहीं लेकिन किया। बोरिस साहब तो कह रहे थे कि आप 5 से 7 निराश पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं। उन्होंने बताया कितनों में से? नहीं, 22 पेशेंट्स में से। येगोर ने उस भयानक एक्सीडेंट में अपने पापा को भी खो दिया। देखिए मुझसे ये नहीं हो सकता। बोरिस साहब ने ये भी कहा था कि आप वो इंसान हैं जो चमत्कार कर सकते हैं। आना, किसी को अपने पैरों पर चलाने के लिए आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। मैंने इससे पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैंडल किए, लेकिन मुझे आपके केस में कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। और मैं हमेशा लकी रहूं ऐसा जरूरी नहीं। अगर ऐसी बात है तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपको भरोसा? हाँ। है तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं। आप ढेर सारे पैसों के लिए काम करें। मुझे पैसों का लालच मत दीजिए, मैं सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता, मुझे जाना होगा। रोमन प्लीज, प्लीज मान जाइए ना। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ कर एक ऐसे इंसान से मिलूंगी जो चुनौतियों से डरता ना हो। क्या आपको कोशिश करने से भी डर लग रहा है? क्या लगता है आपके ऐसा करने से मैं मान जाऊंगा? देखिए मैं नहीं जानती कि आप किन मेथड्स का यूज करते हैं। बोरिस कह रहे थे कि थोड़े अतरंगी होते हैं, जब तक इससे मदद मिलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि
आप उसे ठीक करने के लिए क्या करते हैं? अगर आप येगौर को उसके पैरों पर खड़ा करने में कामयाब हुए तो आप साबित कर देंगे कि आप अनोखे हैं, और अगर नहीं तब भी कोई बात नहीं। प्लीज, मैं आपको आपके एक्सपेरिमेंट्स करने की पूरी आजादी देती हूँ। आपने मुझे इंप्रेस किया, चलिए शुरू करते हैं। येगौर, हाय येगौर, ये डॉक्टर रोमन है, तुम्हारे फिजियोथेरेपिस्ट। ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा है, लगता है इसके मुंह में जुबान नहीं है। ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं डबल चार्ज करता हूँ। ये कौन है, क्या तुम मेरे लिए जोकर लाई हो? मुझे ऐसे फनी लड़के पसंद है। येगौर, रोमन शहर के सबसे अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वो तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा होने में मदद करेंगे, पर इसके लिए तुम्हें खुद अपना मन बनाना होगा। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं पहले ही गूगल कर चुका हूँ। मैं दोबारा कभी चल नहीं पाऊंगा, यहाँ से दफा हो जाओ तुम दोनों। इसे बीमार रहना है और अपने लिए बुरा महसूस करना है तो ऐसे पेशेंट के साथ काम करने का मेरे जैसे डॉक्टर का कोई फायदा नहीं। लेकिन आपने जो मुझे पैसे दिए हैं उसके बदले मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। येगौर, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? हाँ, चेस पसंद है, या शायद कोई बैठने वाला खेल पसंद हो, जैसे व्हीलचेयर रेसिंग या वैसा कुछ? दफा हो जाओ, दोबारा किसी को यहां मत लेके आना। येगौर, बेवकूफ। देखकर अच्छा लगा कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यार। आप खुद को समझते क्या हैं डॉक्टर? ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप? देखिए, अगर आप मुझसे लड़ना ही चाहती हैं तो डॉक्टर कहकर मेरी इंसल्ट मत कीजिए प्लीज। आपका दिमाग ठीक है? आपने अभी एक डिसेबल्ड बच्चे को बहुत बुरा फील करवाया है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो डैमेज्ड है और अनवांटेड भी। कहीं आप ये तो नहीं भूल गई कि आपने ही मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने की आजादी दी? तो क्या है ये सब? ये भी किसी मेथड का हिस्सा है? वैसे ये झूमर खूबसूरत है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपने एक दोस्त को यहाँ बुला लूँ? मजाक कर रहे हो, या ये थेरेपी के लिए जरूरी है? नहीं, मुझे बस उसकी बहुत याद आ रही है तो उसे बुला लूँ। ओह गॉड, बुला लीजिए। वैसे आपका सौतेला बेटा आपसे इतनी नफरत क्यों करता है? मुझे नहीं लगता कि ये किसी ड्रामा की वजह से। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। किरल, तुम यहाँ? हाय। तुम मुझसे बात कर रही हो? माफ कीजिए, मैंने आपको कोई और समझ लिया था। तुम बहुत सुंदर हो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तुम्हें वो जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारा ही लॉस है। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। येगौर, तैयार हो जाओ, आज का स्केड्यूल काफी टाइट है। मसाज करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, और उसके साथ मुझसे नफरत भी तो करनी है। भाड़ में जाओ मसाज थेरेपिस्ट। चलना सीख जाओ, फिर साथ में चलेंगे। तुम्हें समझ में नहीं आता ना, मुझे कोई थेरेपी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। और वो क्यों? क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो मेरा दोस्त कृषा आया होगा, आपको बताया था? मैं दरवाजा खोलती हूँ। हेलो। हेलो, अंदर आइए। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। लेकिन रोमन आपके शैंडलियर की बहुत तारीफ कर रहा था। हाय ब्रदर, कैसे हो तुम? बढ़िया, एकदम मस्त। वो रहा झूमर जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। काफी बढ़िया डिजाइन है, इसे चेक से मंगवाया? हाँ, मैं इसे चेक रिपब्लिक से लाई थी। क्या मैं इसकी पिक्चर ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। थैंक यू।
is still used in designing rockets, and this formula is deservedly called after Zilkov. Hi. Spacecraft Columbia was launched. अब कैसा महसूस कर रहे हो तुम? सेम तुम्हारा वाला केस है. क्या बात कर रहे हो? एक्सरे देखो. ये तो बिल्कुल मेरे एक्सरे जैसा ही है. तुम लकी हो कि डॉक्टर रोमन तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, वरना बाकी डॉक्टर्स ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे. और अब मुझे देखो, मैं खुद अपने पैरों पर चल सकता हूँ. अरे मेरी तारीफ करना बंद भी करो. तुम लड़े और तुमने कभी हार नहीं मानी, इसलिए तुम ठीक हुए. हाँ, इसका तो एक ही मतलब निकल सकता है, हम दोनों ही बहुत कूल हैं. सही कहा. क्या था वो सब? काफी प्यारी तस्वीरें हैं, किसी एग्जीबिशन जैसी. थैंक यू, ये मैंने खुद बनाई थी. सच में? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. बताइए, क्या जानना चाहती है? आपने कहा था कि आपने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था, सही कहा ना? तो मैं अपना सवाल दोहराती हूँ कि अभी अभी जो हुआ क्या था? क्या नहीं, कौन? वो मेरा दोस्त है जो डिजाइनर झूमर बेचता है. तो उन्हें कभी रीढ़ की हड्डी में चोट नहीं लगी थी? और क्या आपने कभी उनका इलाज नहीं किया? बिल्कुल नहीं. तो आप एक झूठे हैं. क्यों, कोई बुराई है क्या? नहीं तो कमाल है ना, क्योंकि अगर भगवान ना करे ये गौर को सच्चाई पता चल गई तो ये बद से बदतर हो जाएगा. वो आपको अपने पास भी नहीं आने देगा. वो वैसे भी मुझे अपने पास भटकने नहीं देता. मैं नहीं चाहता कि उसे मेरे काम करने के तरीके का सच पता चले, कभी भी नहीं. मेरी बात सुनिए आना, आपका लड़का खुद के रिहैबिलिटेशन पर काम करना नहीं चाहता, जो असल में बहुत बुरा है. आप सिर से एक दीवार तभी तोड़ सकते हैं जब आपको विश्वास हो कि आपका सर लोहे का है. आप उसे बिल्कुल नहीं जानते हैं. ये गौर के पास साइंटिफिक लॉजिक है, वो आपको उसे बेवकूफ नहीं बनाने देगा. मुझे यकीन है उसने पहले से ही सब पढ़ लिया है. लगी शर्त? हाँ लगी. ए सुनो. कौन, मैं? हाँ तुम. अपनी थेरेपी शुरू करो, क्योंकि तुम्हें उसी के पैसे मिल रहे हैं. तो तुम चलना चाहते हो? हाँ. थोड़ा जोर से कहो. हाँ. तो फिर थोड़ा सहन करना होगा. ठीक है. थोड़ा और. बिल्कुल ऐसे ही. बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक बार फिर से हेलो पवेल. हेलो फिर से. दरअसल बात यह है कि मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है. मेरा दोस्त किरिल नेजन और मैंने यहाँ साथ में ट्रेन करने का तय किया था, लेकिन किसी वजह से वो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा. आप जानती है ना कि हम क्लाइंट्स की जानकारी पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखते हैं. बेशक मैं जानती हूँ, लेकिन बात यह है कि किरिल और मैं एक दूसरे को सालों से जानते हैं और मैं परेशान हूँ क्योंकि वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है. क्या पता वो मुसीबत में फंस गया हो. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. उन्होंने आज सवेरे ही कॉल करके अपना अकाउंट एक महीने के लिए फ्रीज करवा लिया है. ओके, थैंक यू पवन. थैंक यू. हाय. हाय. तो तुम तैयार हो ना? आज का स्केड्यूल काफी टाइट है. कहाँ जा रहे हो तुम लोग? थेरेपी के लिए. घर से बाहर कौन सी थेरेपी होती है? काफी असरदार होती है. क्या हम आना को भी साथ ले? नहीं. नहीं से क्या मतलब है? मैं तुम्हें ऐसे ही कहीं नहीं जाने दूंगी. मैं रोमन को इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ और मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला है. तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी. क्या हम पहुंच गए? हाँ पहुंच गए. चलो देखते हैं. हेलो साशा. हेलो रोमान. एक मिनट रुको, आप ये गौर को बोट राइड पर ले जा रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? आपके पहले सवाल का जवाब है जी हाँ, मैं लेकर जा रहा हूँ. और दूसरे सवाल का जवाब है मैंने मना ही कब किया. आ जाओ आराम से. तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? तुम मुझे बोट पर ले जा रहे हो? रोमन इसे अकेला छोड़ दो प्लीज. देखिए आप घबराइए मत. वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बोट राइड्स मेरी थेरेपी का हिस्सा होती है. आपके चेहरे पर हवा का टकराना, प्रकृति के साथ एक होना, यही आपकी रीढ़ की हड्डी में न्यूरल कनेक्शंस को बहाल करता है. आ जाओ.
जरा पकड़ो इसे, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे यही उतार दो, चलो भी। ये गौर प्लीज चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। रिलैक्स करो और एंजॉय करो। ना इसे रोको ना। तो आप घर लौटेंगी या फिर रुकना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल मैं रुक रही हूँ। कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप, मैं आपके साथ चल रही हूँ। तो फिर चलिए। ऐसी चीजों के बारे में पहले ही बताना चाहिए, ठीक है? एक बार बारे में बाद में बात करेंगे, समझ गए? नीचे उतारो। आराम से चलाना, एकदम धीरे। मुझे अभी भी बोट राइड की पीछे की मेडिकल सेंस समझ में नहीं आ रही है। ये एक बहुत बढ़िया दवा है, ये जरूर काम करेगी। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त न्यूरॉन्स के साथ क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि अच्छी चीजें हो रही हैं, पॉजिटिव इमोशंस बाहर आ रहे हैं, ये हर जगह फैल रहे हैं, इससे सबको खुशी होगी। तो इसका मतलब इस राइड में कोई मेडिकल सेंस नहीं है, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सेंस है, खुशियाँ फैलाने से सब ठीक हो जाता है। क्या आप कह सकते हैं इसे येगोर की तबीयत खराब नहीं होगी? कह सकता हूँ। आपने पढ़ाई कहाँ से की है या पढ़ाई की भी है? मैंने खुद से सीखा है। तो फिर आप इस तरह लोगों का इलाज क्यों करते हैं? सर्गे ने मुझे कभी नहीं ठीक होने वाले केसेस को ठीक करते हुए देखा है, मेरे फादर को ही देख लीजिए। क्या आपने उन पर भी येगोर जैसे मेथड्स का यूज किया था? बिल्कुल भी नहीं, मैं हमेशा अपने इंट्यूशन को फॉलो करता हूँ। इसी का तो डर है। येगोर, सब ठीक है ना? कस कर पकड़ना, ठंड तो नहीं लग रही? हुर्रे! ये! ये! सर्गी सच कहूँ तो मुझे कभी कभी लगता है रोमन बिल्कुल पागल है। वो क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी मेडिकल डिग्री नहीं है, तो वो लोगों का इलाज कैसे करते हैं? वो कर सकता है। क्या आपको यकीन है? हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है वो उन 7 लोगों के इलाज के बारे में भी झूठ बोल रहे हैं जिनमें उनके पिता भी हैं। नहीं, वो झूठ नहीं कह रहा है। क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि रोमन के ग्रोमोव सीनियर का केस लेने से पहले उनका इलाज करने वाला डॉक्टर पीछे हट गया था और वो डॉक्टर मैं था। हेलो, आपकी बात इंटेग्रल से हो रही है। हेलो, मेरा नाम ओल्गा है, मैं ओलंपस जिम के एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। क्या आप मेरी बात नेजन जी से करवा सकती हैं प्लीज? आप अपना मैसेज छोड़ सकती हैं। बात यह है कि मैंने उनके फोन पर कॉल किया था लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे, मुझे कुछ कॉन्फिडेंशियल बात करनी है। किरिल एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए हैं, वो 1 महीने के अंदर अंदर लौटेंगे। अगर आपके सवाल जरूरी है तो आप मेरे जरिए उन तक पहुँचा सकती है। नो लक। नहीं, मुझे आज कुछ नहीं करना, मुझे थोड़ा आराम करने दो। जल्दी ठीक होना ना, तो फिर कोई आराम नहीं। मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, बस मुझे एक दिन छुट्टी दे दो। देखो, अगर तुम डेली थेरेपी लोगे तो जल्दी ठीक हो सकते हो। मैंने कहा आज नहीं तो आज नहीं, समझे? ठीक है, आज कुछ नहीं करना ना, तो पहले तुम्हें मुझे डार्ट्स में हराना होगा। डार्ट्स? क्या तुम जानते हो तुम किसे चैलेंज कर रहे हो? लूजर। चलो डार्ट्स ले आओ। वो! बहुत अच्छे। अरे वाह, अरे वाह, निशाना अच्छा है। तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ बिल्कुल, चलो मैं ट्राई करता हूँ। आना, क्या आप मेरी जगह ट्राई करेंगी? नहीं। आप ट्राई कर सकती हैं, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैंने पहले कभी नहीं खेला है। ये बहुत ही आसान है, एक बार निशाना तो लगाइए। आप मेरा मजाक बनाना चाहते हैं ना? ये ठीक है? हाँ। एक बात कहूँ, फिर कभी डार्ट्स मत खेलिएगा, ठीक है? मैंने कहा था। अब आप मुझे देखिए कि कैसे खेला जाता है, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। हाँ हाँ, खेलिए। बहुत इजी है, इसे ऐसे फेंकना है। वो। और एक। बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम अपनी थेरेपी शुरू करें। चलो। और आप प्रैक्टिस करते रहिए। निशाना लगाओ और फेंको।
सही बात। मान लो अगर मुझे शार्क ने खा लिया तब तुम्हें अकेले ही प्रैक्टिस करनी होगी इगोर। मैं जानता हूँ तुम्हें सुन के अच्छा नहीं लगा होगा, पर ये हो सकता है। गाइस, मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है, तुम काफी थक चुके हो। क्या मैंने तुम्हें बुलाया? यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ। तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है। Damn it, मनुष्की की। आज के लिए इतना काफी है। जिगौर आपसे इतनी नफरत क्यों करता है? आप इतनी शिद्दत से उसके पीछे पड़ी हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, फिर भी वो आपसे बदतमीजी करता है। ऐसा भी क्या हुआ है आप दोनों में? प्लीज हमारे रिश्ते में दखल मत दीजिए, आप बस अपने काम से काम रखिए। वो तो मैं कर ही रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। बाय द वे, कल के लिए तैयार रहिएगा। किस लिए? गाइस प्लीज एक ब्रेक ले लेते हैं ना, अब मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। अगर ना कहूं तो मैं बिना शिकायत के 15 साल के बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर चल रहा हूं। बस थोड़े कदम और हम वहां पहुंच जाएंगे। थोड़े कदम और, मुझसे नहीं होगा। बस हो गया। वैसे आपसे एक बात कहूं, आप आउट ऑफ शेप हैं इसलिए थोड़ी एक्सरसाइज किया कीजिए। आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए आपको इस बैकपैक के साथ डेली 5 से 6 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। इससे आप फिट होंगी और आपका स्टैमिना बढ़ेगा। वो पेड़ दिख रहा है? मैं आपको वहीं मार डालूंगी और दफना दूंगी। मैं तो डर गया। अगर हो गया हो तो अपने कदम बढ़ाइए। फाइनली हम पहुंच गए, हमारा पिकनिक स्पॉट आ गया। वाव, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसी वैसी जगह ले जाऊंगा? क्या आपको ये जगह पसंद आई? बढ़िया, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल ब्रुलॉफ के इटालियन पेंटिंग्स जैसा। अब से ये भी आप ही उठाएंगे। सही है, थोड़ा आराम से। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? पानी है क्या? आना के पास आना। हाँ, मुझे पानी चाहिए। एक मिनट। ये लो। थैंक यू। यू आर वेलकम येगोर। तो तुम वापस वेटर बिल ले गया। थैंक यू। हेलो किरण, क्या सरप्राइज है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फाइनली मुझे ये मौका मिल ही गया। क्रिस्टीना, हेलो। वायलेटा मेरा नाम। सही कहा, माफ कीजिएगा हम थोड़े थक गए हैं। इतनी जल्दी निकल रहे हैं, मुझे लगा कि आप मुझे कंपनी देंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकती हूं। कहीं आप वदीम की बहन तो नहीं? हाँ। तो अन्ना कुराबलने की तबीयत कैसी है? बढ़िया है, वो अभी बिल्कुल ठीक है। क्या वो घर से बाहर निकलती है? नहीं, पहले जितना नहीं, लेकिन मैं समय समय पर उसे कहीं बाहर टहलने ले जाया करती हूँ। वैसे हमने आज से ठीक एक हफ्ते बाद ही एक डेट प्लान की है और हम इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आने वाले हैं। मैंने सुना है यहाँ पर क्रैब सैलेड बहुत अच्छा मिलता है। एकदम बढ़िया। पता है क्या, आज तो पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन शायद अगले हफ्ते हम आपको वक्त दे पाएंगे। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मुझे यकीन है आना को भी बहुत खुशी होगी। और हमारा मिशन होगा उसे उसके दुख से डिस्ट्रैक्ट करने का, बेचारी उदास रहती है। मैं लकड़ियां ले आता हूँ, तुम आग जला देना, ठीक है? इतना तो कर ही सकते हो ना? वो तो मुझे नहीं आता। मैंने तुम्हें कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं दिया, आसान है, ट्राई करो। एक आइडिया तुम आना से पूछ लो, वो तुम्हारी मदद करेगी। तुम संभालोगे या मदद करूं? मदद करो।
हाँ एक मिनट। एक मिनट रुको। अब करो। फिर से करो। इसे पकड़ो। हाँ बहुत बढ़िया। हो गया। हाई फाइव। लगता है ये बहुत थक गया। इसे थोड़ा बाहर क्या ले आए, ये तो थक के सो गया। मैं भी मुश्किल से आंखें खुली रख पा रही हूँ। येगोर के साथ आपका रिश्ता पहले से बेहतर? हाँ बिल्कुल, सब आपकी बदौलत। शायद इसके लिए आप मुझे डांटते, पर मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं नहीं जानता कि आपने ऐसा क्या किया या फिर क्या हुआ जिससे ये आपसे नफरत करने लगा। मुझे लगता है इस नफरत को रोकने का टाइम आ गया है। क्या ये इलाज में रुकावट बन रहा है? देखिए, अगर येगोर आपको माफ नहीं करता और आप दोनों अच्छे से बात नहीं करते तो शायद ये ठीक ना हो पाए। इसे ऐसे ही रहने देते। हाय, कैसे हो सब? येगोर? हाय गॉडफादर। आना जी। हाय। अच्छा, अब कैसा महसूस हो रहा है? मैं अच्छा हूँ, थैंक्स। बहुत अच्छे, तुम बिल्कुल अपने डैड पर गए हो। मुझे यकीन है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी जरूरत पड़े मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। आता हूँ। आइए चलो खेलते हैं। ए टू ए फोर। किस बारे में बात करना चाहते हैं? हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचने के बारे में। देखो आना, मैं चाहता हूं येगोर की जगह तुम ये फैसला लो, क्योंकि तुम उसकी लीगल गार्डियन हो और कंपनी का ज्यादातर हिस्सा उसी का है। क्या पक्का? अगर हम इसे बेचते हैं तो येगोर के साथ गलत नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं, सब कानूनी ढंग से होगा। आपको पहले येगोर से बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जब तुम फैसला ले सकती हो तो उसे परेशान क्यों करें? और येगोर डील के फायदों को समझे बिना इमोशनली रिएक्ट कर सकता है, तुम्हें क्या लगता है? सच कहूं तो मैं खुद उन्हें नहीं समझती, लेकिन मुझे लगता है आपको इसे नहीं बेचना चाहिए। देखो आना, मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है, लेकिन देखो अब वदीम हमारे साथ नहीं है और उसके बिना कंपनी को मैनेज करना, वो भी अकेले, बहुत मुश्किल है, समझ रही हो? और येगोर के फ्यूचर को बचाने के लिए हमें कंपनी को बेचने की जरूरत है। उसका पैसा हम किसी यूरोपियन बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, जहां वो सेफ रहेगा जब तक वो 18 साल का ना हो जाए। इस पर उसे परसेंटेज भी मिलेगा। मैं समझ रही हूं, लेकिन ठीक है, हम इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। अगर हमारी कंपनी अचानक दिवालिया हो जाए तो क्या होगा? मैं बताता हूं, येगोर के पास कुछ भी नहीं बचेगा। किसी वजह से मुझे लगता है कि येगोर इससे खुश नहीं होगा, क्योंकि वदीम ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है इसमें। मुझे पता है येगोर इससे खुश नहीं होगा। वैसे मुझे लगता है जब वो बड़ा हो जाएगा तो येगोर हमारे इस फैसले की सराहना करेगा और तुम्हें और मुझे इसके लिए थैंक यू बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे ये बात आप क्यों बता रही हो जब तुम कुछ भी नहीं बदल सकती?
मेरे डैड ने उस कंपनी के लिए अपना खून पसीना एक किया था, गद्दार कही की। ये गौहर, मैं इन चीजों के बारे में नहीं जानती। तुम्हारे गॉडफादर ने कहा कि अगर हम कंपनी नहीं बेचते हैं तो ये दिवालिया हो जाएगी, क्योंकि वो इसे नहीं संभाल सकते। कम से कम मेरे डैड की याद में तुम बिजनेस सीख सकती थी, या मैं सीख लेता। आखिर मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैंने तुम्हारे लिए किया है, मुझे इससे कोई फायदा नहीं है। तुम्हें कंपनी नहीं बेचनी चाहिए थी, तुम सिर्फ दर्द लाती हो। आना, सब ठीक हो गया। येगौर के अकाउंट में ऑलरेडी पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। येगौर गुस्से में है कि मैंने उसके डैड की कंपनी बेच दी। मैं उससे बात करता हूँ, वो कहाँ पर है मुझे बताओ। वदीम के स्टडी रूम में। आना, मेरी बात सुनिए। आप दोनों के बीच की गलतफहमियां मैं दूर करूंगा, ठीक है? जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मैं अंदर आ सकता हूं? नहीं, और मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। आपने ये सब मेरे पीठ पीछे किया। देखो येगौर बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। आना ने मुझे कहा कि तुम ऐसा चाहते हो, तो तुम मुझे बताओ कि मैं ना कैसे कहता, जब तुम 60% के मालिक हो और मैं सिर्फ 40% कंपनी का। क्या आपने उसे कहा कि आप कंपनी हैंडल नहीं कर सकते? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था कि थोड़ी मुश्किलें जरूर आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सब कुछ बेच पाते। तो ये बात है, वो कमजोर और आलसी है। येगौर, मुझे बताओ कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। मैं उससे तंग आ चुका हूं, अब मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। हम अदालत में लीगल गार्डियनशिप जीत सकते हैं, ठीक है? थैंक यू गॉडफादर, लेकिन फिलहाल नहीं। वसीयत के मुताबिक ये घर उसे मिला है, वो घर जिसमें मेरे माता पिता रहते थे। मैं कुछ और समय के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ, और फिर हम देखते हैं। जैसा तुम चाहो। मुझे जरूर बताना। हेलो आना, कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। देखिए, मैं कब से आपसे पूछना चाहता था, क्या येगौर को कोई खेल पसंद है? मुझे नहीं पता, शायद उसे स्विमिंग पसंद है। अच्छा, स्विमिंग पसंद है। चलिए, इससे थोड़ी मदद मिल जाएगी। वैसे क्या उसकी कोई हॉबी है? पढ़ना ही उसकी हॉबी है। वो रोबोटिक्स पढ़ता है और रोबोट्स भी बनाता है। अरे वाह, क्या बात है, तब तो मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तुम फीस बढ़ा रहे हो क्या? मेरे लिए नहीं, मुझे एक अच्छा महंगा और डैमेज्ड रोबोट चाहिए। ऐसे रोबोट्स बिकते हैं? नहीं आना, वो तो नया ही बेचते हैं, पर मैं उसे तोड़ूंगा। शायद वो आ रहा है। ये रोबोट तो बहुत महंगा है, मेरी बहन का भतीजा बिगड़ा हुआ है, वो हर चीज तोड़ते रहता है, फिर मैं उसे ठीक करता हूँ। ये बढ़िया है, ये तो मैं कहाँ से मिला। मैंने ऐसा ही रोबोट एक एग्जीबिशन में देखा था। ये काम नहीं कर रहा है, मदद करोगे? हाँ बिल्कुल, बस इसकी स्कीम्स ढूंढनी होंगी। तुम्हें पता है कहाँ मिलेगी? ऑफ कोर्स, मैं इसमें माहिर हूँ। तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या करता। आना, इसकी मदद करना, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, उसे जाना चाहिए। पर वो क्यों? अगर वो रुकी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। वो जरूर कुछ ना कुछ तोड़ देती है, वो मनुष्य है, जाने दो उसे। क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ जाना है? मैं यहाँ नहीं रहती क्या? मुझे परवाह नहीं है,
बस मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। आना रुक जाइए, येगोर आना इसमें हमारी मदद कर सकती है। मजाक कर रहे हो? तुम्हें सच में दिखाई नहीं दे रहा मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रही हूँ? तुम्हारे जीवन को आसान बनाने के लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रही हूँ। आना मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम रोज इस तरह के ड्रामे ना दिखाओ तो तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, समझे? मुझे मत सिखाओ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्योंकि तुम्हारा जानना जरूरी है। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि आना के पास अपने रीजंस थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचने के लिए सुन रहे हो तुम? जिसे तुम्हें समझना होगा, और जैसा कि तुम्हें लगता है आना तुम्हारे डैड के पैसों के पीछे तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। आना आप मुझे बताइए आप उसका ख्याल क्यों रखती हैं? क्योंकि ये मेरा फर्ज है, बस इसीलिए। इतना ज्यादा सीक्रेटिव रहना गलत होता है, क्या मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं? मैंने निकान नौरव को ये गौर से मुझ पर मुकदमा करने के लिए कहा ताकि वो उसका लीगल गार्डियन बन जाए। मुझे लगता है ये गौर के लिए यही सही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, निका नौरव ने ये गौर के लिए कुछ नहीं किया। वो इतनी केयर करता है तो पिछले साल कहा था? हाँ खैर, उसका अपना परिवार और नौकरी है। ये सारे बस बहाने हैं। ये गौर अपनी लाइफ के सबसे डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है और उसका गॉडफादर कहा है? भले ही स्टास ये गौर की कस्टडी क्यों ना जीत जाए, पर क्या इन सब में ये गौर की जीत है? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? पूरा यकीन है। और रही बात आपकी लड़ाई की, तो थोड़ा सब्र रखिए, उसके जख्मों को भरने दीजिए। हालांकि उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी खराब जरूर है। बहुत खराब है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ये एक और को दे दो प्लीज। बॉन एपेटिट। लाओ तुम्हें दे दो। ये गौर बॉन एपेटिट। थैंक यू सो मच। जूस चाहिए? हाँ थैंक यू। कौन है वो? क्या फर्क पड़ता है? इतना फर्क नहीं पड़ता कि तुम हर दिन उसे देखते रहते हो। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? बहुत प्रिटी है ये। मैं जानता हूँ। क्या आपको इसकी खबर थी? एक्सीडेंट के पहले येगोर की एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम यूलिया था, आप कुछ जानती हैं? वदीम ने बताया था। किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया, उसने अपना फोन बंद कर दिया, सोशल नेटवर्क से अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दी। मेरे पास एक आइडिया, अगर हम उसे इंटरनेट पर ढूंढ निकाले तो कैसा रहेगा? मैं एक हैकर को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। बकवास, उसने येगोर को तब छोड़ा जब वो ठीक था, तो आखिर अब वो उसे क्यों अपनाएगी? आपको कैसे पता कि उसने उसे छोड़ दिया? इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। देखिए टीनेजर्स के ब्रेकअप करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमें येगोर के ब्रेकअप के रीजन का पता लगाना चाहिए? हाँ, आप कुछ ज्यादा ही टीवी शोज देखते हैं। नहीं, मैं साफ साफ सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए वो एक अमीर लड़का है लंदन का, और वो एक टाउन की सिंपल लड़की है। वो लड़की बहुत बड़ी बेवकूफ ही होगी जिसने येगोर को डंप किया होगा।
आप ही की तरह सोचने वाले को मैं जानती हूँ। अगर आप उसकी जगह हो तो क्या आप ऐसे लड़के के साथ डेट पर नहीं जाएंगी? प्यार के नाते नहीं, क्यूरियोसिटी की वजह से मिलना नहीं चाहेंगी? तो फिर तय रहा, मैं हैकर को कॉल करता हूँ। रोमन, मैं आपको ऐसा करने से बैन करती हूँ। चलो वो तुम्हें मिल भी जाती है तो उसके बाद क्या? हाँ आना, आप ये सही नहीं कर रही। मुझे आप जो मेरी... कहना था मैंने कह दिया, और अगर आप मेरे लिए काम करते हो तो अपना काम करो और दखल मत दो। बोरिस आपका कॉल, बात करनी है। हाँ सर, के बोलिए। हाँ हाँ ओके। अच्छा बिल्कुल, हम पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। ओके। बोरिसोव ने ये गौर को चेकअप के लिए लाने के लिए कहा है। रिलैक्स, हैमर को देखो। गुड, लो अपना हाथ दिखाओ। वेरी गुड। अभी ये वाला। क्या तुम्हें सर दर्द हो रहा है? प्लीज बताइए कि रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? लगभग 10-15 मिनटों में। दर्द हो रहा है? नहीं। अभी? नहीं। इसे महसूस कर सकते हो? रोमन, मुझसे वादा करो सब ठीक होगा। मैं वादा करता हूँ। सरगे, कुछ तो कहिए, बताइए ना क्या बात है। कहने के लिए बचा ही क्या है। बुरी खबर यह है कि उसमें कोई पॉजिटिव बदलाव नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब? जरा भी नहीं? शायद अभी सही वक्त ना हुआ हो। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, बस फर्क इतना है कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मैं जानती थी ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो हाइक्स, वो यॉट। आना, रोमन के मेथड से इसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने शुरू में ही तुम्हें आगाह किया था कि ऐसा भी हो सकता है, और अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह अगर अब कभी नहीं चल पाएगा। मैं माफी चाहता हूं।